कितना तोड़ाई हुआ है? अभी लमसम 20 तोड़ाई हो चुका 20 तोड़ाई हो चुका है, हो चुका है 20 तोड़ाई। अभी और फूल दिख रहे हैं कहीं कहीं ये हमको। अभी आपका अप्रैल मई तक चलेगा, इसको हम अगर रखना अभी, चाहें अभी तो। अक्टूबर है। हाँ भैया आप देखते रहिए, आप आके देखिएगा, मेरे यही है, ज्यादा दूर में नहीं है, आप आके देखिएगा, हमेशा पता करते रहिए। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप कह रहे हैं कि 6 महीना और चलेगा। हाँ 6 महीना चलेगा। अभी कम से कम 3 महीना हो गया इसका। हाँ 3 महीना हो गया। तो बरबट्टी इतना लंबा खेती हो सकता है? हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, और आज हम लोग बात कर रहे हैं लोबिया की, जिसको आप बरबट्टी या कुछ और नाम से जानते होंगे। एक वैरायटी नई है और आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। इतना अच्छा प्रोडक्शन है कि 8-10 तोड़ाई हो चुकी है, उसके बाद भी प्रोडक्शन रेगुलर है। तो आप लोग बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कम पूंजी खेती कैसे होती है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम रविशंत कुशवाहा है जी, ग्राम करवा, जिला सूरजपुर। और कितने साल से खेती कर रहे हैं? खेती तो मैं कर रहा हूँ आज मान लीजिए 20-25 साल हो गया खेती। 20-25 साल हो गया। और ये जो हाईटेक वाला खेती है रस्सी ए, कूटा, ए, ए, दो साल हुआ। इसको 2 साल हुआ है। हम लोग हैं बरबट्टी के खेत में, और बरबट्टी मतलब लोबिया जिसको कहते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। एकदम हरापन दिख रहा है, तो कुछ खास वैरायटी है या फिर आपका? हाँ नहीं खास है इसको, ये तो मान लीजिए 3 फीट में लगा है, देखिए तीन हाँ, तीन दूरी फीट में है दूरी अच्छा है। और पूरा भर गया है। आज भी टुड़ाई हुआ है इसमें, आज कल भी, और मुझे लगता है कल भी होगा। हाँ कल भी पर डे हो रहा है। आज 40 किलो करीब निकला था, यानी 20 से 40 के बीच में पर डे निकलता है, और ये ज्यादा नहीं है, मान लीजिए 10 लाइन है, 100-150 दाना लमसम, बहुत कम जगह पे कम लगा है। जगह पे है। हम लोग आगे आपसे बात करेंगे कि शुरुआत कैसे की, पहले खेत तैयार किए आप, फिर बेड़ बनाए, मेड़ बनाए, तो उसको मशीन से बनाए कि ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से बनाए, इसके बाद आप उसमें पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, बीज बीज लगाए हैं। बीज की बात करें तो कौन सा बीज का नाम आपको? आपका ए है, ए आप धरती कंपनी का है, बबली, बबली, और संकर लोबिया इसको, इसका एक और नाम है। तो हाँ, आपके हिसाब से ठीक है प्रोडक्शन इसका? हाँ एक नंबर है, बहुत बढ़िया। बाकी बरबट्टी जो है उनसे लाख गुना अच्छा। मैं पहले चिया ताई लगाता था और आपका नामधारी का लगाता था, मैं सब छोड़ दिया खाली से, जब से और आज देख, मैं पहले अकेले परसल लगाया था, आज कम से कम 20 किसान और जुड़े हैं और इसी गांव में। इसको लगा रहे हाँ हैं। परसल जो मेरा देखे, इसमें पहली बात तो आपका कोई रोग नहीं मिलेगा, अच्छा। लिया पिलिया मुड़ा नुड़ा कोई रोग नहीं है इसमें, खाली कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है जो कीड़ा लगता है फल छेदक, अच्छा। सिर्फ उसी का दवाई देते हैं, बाकी कोई दवाई नहीं है। बताते हैं बहुत कम खर्च वाली खेती है, तो ये सही है? हाँ सही तो है। एक बार लागत मुझे नहीं बताएंगे कि थोड़े से जगह में कितना लागत लगा होगा आपका? मान लीजिए 6 रुपया पीस के हिसाब से दाना आएगा, बीज आएगा। बीज आएगा है ना, आप 100 सीड लगाए 600 रुपया उसको रख लीजिए, अच्छा है ना। हाँ। और आपका ट्रैक्टर का मान लीजिए 100 दाना में अगर आप कर रहे हैं तो 100 दाना आपका लगभग सब 5 डिसमिल 10 डिसमिल मिल जाएगा, है ना। मतलब गार्डनिंग फार्मिंग भी कहा जा सकता है, 5-10 डिसमिल में बहुत अच्छा। हाँ, है? कितना कितना तोड़ाई हुआ है? अभी ये लमसम 20 तोड़ाई हो चुका 20 तोड़ाई हो चुका है। हो चुका है 20 तोड़ाई। अभी और फूल दिख रहे हैं कहीं कहीं ये हमको। अभी आपका अप्रैल मई तक चलेगा, इसको हम अगर रखना अभी चाहें अभी तो। अक्टूबर है। हाँ भैया आप देखते रहिए, आप आके देखिएगा, मेरे यही है, ज्यादा दूर में नहीं है, आप आके देखिएगा, हमेशा पता करते अक्टूबर रहिए। चल रहा है, हाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप कह रहे हैं कि 6 महीना और चलेगा। हाँ 6 महीना अभी कम से कम 3 महीना हो गया इसका। हाँ 3 महीना हो गया। तो बरबट्टी इतना लंबा खेती हो सकता है? हो सकता है। अच्छा अभी क्या चला रहे हैं खाद में? अभी खाद में आपका 13052 00050 13045 1919 और आपका कैल्शियम बोरान चला दिए बीच बीच में, है ना, जैसा प्रोडक्शन। हाँ जैसा प्रोडक्शन रहता है उस हिसाब से खाद अपन चलाते हैं। तो संतुष्ट है इस बीच से? एकदम मैं भारी संतुष्ट हूँ प्रोडक्शन के मामला में। हम लोग देख रहे हैं कहीं नीचे भी फल दिख रहा है। हाँ ये शुरुआत नीचे से भैया। हाँ। अरे देखिए 3 तोड़ाई हो चुका है। अच्छा, एक तुड़ाई, गांठ पे दिख रहा दो है, तुड़ाई, 3 तुड़ाई, ये चौथा तुड़ाई में है। हाँ, हाँ, हाँ। और अभी ये और निकल रहा है। अच्छा, उसमें से छोटे छोटे। हाँ हाँ ये निकलते रहेगा।
ओके, जैसे जैसे ये देख रहे हैं हाँ, इसमें भी एक तोड़ाई, दो तोड़ाई, तीन तोड़ाई, चार तो ऐसे हो गया है, हाँ, हो गया है ना, ये है। अब फिर से फूल कली आ रहा है हाँ। अच्छा, तो ये खास बात है। थोड़ा सा रेट के बारे में बताइएगा। रेट में भैया अभी तो मान लीजिए मेरा आने 45 से 50 इतना में, हाँ थोक में, थोक में 45-50 हाँ, आज का रेट जाके भगवान मंडी में पता कीजिए। तो ये अच्छा अच्छा रेट है मतलब। तो आप इस और क्या क्या खेती करते हैं? और मैं इस सेम का किया हूँ, प्लस आपका धान का करता हूँ, टमाटर किया हूँ, बैगन करता हूँ, और ये वाला बरबट्टी। आपने तीन चार नाम लिया, टमाटर, बैगन, सेमी और बरबट्टी, चारों में से किसको सबसे अच्छा मानेंगे? सबसे अच्छा भी मैं बरबट्टी को मानता हूँ, लागत कम है। अच्छा, लागत कम है, बहुत कम लागत में और मुनाफा अच्छा भी, अच्छा मुनाफा है। तो इसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं है तोड़ाई में? नहीं नहीं भैया, एक घंटा किसी को भी थोड़ा सा बुला देते हैं, और हम लोग दो लोग में तो खुद ही तोड़ लेते हैं, साए साए टूटता है ना, यहाँ अंगूठा दबाते जाए। अच्छा, मतलब जो ये रेडी हो गया है इसको बस अंगूठा लगाइए, नाखून लगाइए, खट से टूट जाएगा। तो आपके हिसाब से ये खेती अच्छा है? हाँ, सब दवाई के मामले में? दवाई में खाली कीटनाशक लगता है भैया, बाकी कुछ नहीं। अगर ठंडी ज्यादा पड़ेगा तो अगर कहीं थोड़ा बहुत कोकड़ापन दिखता है तो एडमायर वगैरह चला दिए अपना, एकदम फ्रेश। तो कीटनाशक का आप नाम बता दीजिए किसी। कीटनाशक में मैं तो देखिए हमला हमला चलाता नहीं हूँ, आपका सुपर परफेक्ट चलाऊंगा, या तो कोराजिन चलाऊंगा, वायागो मोमेंटो चलाता हूँ, यही सब दवाई मैं हैवी दवाई चलाता हूँ कि एक बार मारता हूँ तो 15 दिन 20 दिन तक। अच्छा, फुर्सत। अभी इसमें 1.5 सप्ताह पहले दवाई चला है और अभी तक देखिए कहीं पर कीड़ा आपको नहीं है, मैंने भी देखा कि खेत में। और आपका हल्का दवाई चलाइएगा, आज चलाए कल छोड़े परसों फिर आपको कीड़ा दिखेंगे। तो और खाद के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दीजिए कि आप बेसल में क्या क्या खाद? बेसल में अपना गोबर चला है और पोटास और डीएपी और कोई भी जाइम आजकल रेडीमेड मिल रहा है आपका, मान लीजिए बायोटच का हो गया, या तो जो क्या बोलते हैं किसान वाला जो आता है सोसाइटी में मिलता है, क्या नाम बोलते हैं, सागरी का, निर्मल, कोई भी आने की अपना जाइम उसके साथ मिला के और डाल दीजिए, डाल दिए, रिजल्ट अच्छा है। बरबट्टी की खेती का सही समय बता दीजिए, और कब इसको लगाया जाए? ये 12 मासी। अच्छा, अभी भी लगा सकते हैं? हाँ, कभी भी, अभी कई किसान अभी खेत तैयार कर रहे हैं और हाँ, दिसंबर में मेरा खुद लगेगा अभी प्लाट, अभी धान पूरा भरा है। तो, और ये पुराना मेड़ भी है ना? अच्छा, नया मेड़ नहीं है, इसमें एक फसल मैं खीरा ले लिया हूँ इसके बाद किया हूँ, और खीरा में ही जो बेसल डोज डाला हूँ इसके बाद मैं बेसल डोज नहीं डाला हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब पहले आपने इसमें खीरा लगाया, खीरा का उत्पादन हो गया, कमा लिए, उसके बाद तो खर्चा तो कुछ आया ही नहीं, सिर्फ बीज का खर्चा आया। बीज का खर्चा बस है, बीज का, और जो अभी जो दवाई चल रहा है, दवाई चल रहा है, तो भैया ये अपने दे रहा है और ले रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि दूसरा फसल भी इसमें हो सकता है, और ये जो बीज आपने बताया ये 12 मासी कभी भी लगा सकते हैं। कभी भी लगा। सबसे प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा कब मिलेगा? सबसे ज्यादा आप अभी लगा दीजिए तो अभी ठंडी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन अगर इसको आप जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं तो आपको 48 से 50 दिन में प्रोडक्शन इसका चालू हो जाता है। 48 से 50 दिन में मतलब 2 महीने के अंदर में? हाँ, 2 महीने, 2 महीना से पहले तुड़ाई होगा, पूंजी निकलना चालू हो जाएगा। पौधा से पौधा लगाया आपने 3 फीट की दूरी में? 3 फीट। और ये जरूरी है कि आपने खीरा लगाया था इसलिए उसी में लगा दिए? अपने पास मल्चिंग सही था, खीरा खत्म हो गया, तो हम सोचे कि ये बेस्ट जाएगा, ये उसी में लगा दिया। अभी जो है वो ड्रिप से ही पानी चल रहा है? हाँ, ड्रिप से ही चल रहा है। और अगर बरबट्टी को ऐसे लगा बिना मल्चिंग ड्रिप के तो ऐसा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? रिजल्ट आ सकता है भैया, लेकिन उसमें आपका खर्चा ज्यादा आएगा। अच्छा। इसमें अभी मान लीजिए घास जमा है, इसमें हम ग्रामोजन मार देंगे तो एक टंकी में अपना, अच्छा, एक टंकी का आपका 60 से 70 रुपये का खर्चा आएगा, 60-70 रुपये में पूरा घास खत्म हो जाएगा। और इसी को अगर अपन लेबर लगाते हैं तो कम से कम नहीं तो आपको 3 ठो लेबर दिन भर काम करेंगे, बिल्कुल, तब नींदेंगे तो 3 ठो लेबर का आपका 1000 रुपये खर्च आएगा। बिल्कुल, फिर भी ये संभव नहीं है कि सबका हो पाए। ये आपने बहुत सही बात बताया कि अगर मल्चिंग ड्रिप लगा है तो कम से कम घास की रोकथाम होती है, खाद बचता है, और जो खाद है उसके जड़ पे ही जा रहा है, जड़ पे ही जाएगा आपका, इधर नहीं बहेगा, देखिए पूरा मिट्टी चला गया है, बाहर खाद आएगा। तो ये वही खाद। बहुत शानदार चीज बताया आप।
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बीज के बारे में, खाद के बारे में, मल्चिंग ड्रिप के बारे में। खूटा रस्सी वही है जो पहले लगा हाँ, हुआ था? पुराना ही है, सब पुराना है, सब पुराना है, मतलब ये खाली नया में खाली बीज लगा है अपना और जो खा दे रहा हाँ है। ये किया जा सकता है। और इस खीरा में खीरा नहीं लगा सकते थे? लगा सकते हैं खीरा में खीरा, अच्छा पर अपन को बरबट्टी लेना था, मैं अगले साल भी लगा लिया हाँ था, हाँ इन साल भी, इन साल बरबट्टी बढ़ाने का मेरा वो था, लेकिन थोड़ा सा परेशानी हो गया कि खेत नहीं बचा, धान लग धान धान की वजह से। हाँ गया, इसीलिए फिर तो आगे भी हम लोग आपके साथ में कोई और ठीक वीडियो में आएंगे। है आपके साथ ना। मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।